My dear friends, it's a joy to see you this Christmas season. मेरे प्रिय मित्रों, क्रिस जयंती के इस अवसर पर आपको देखना बड़े आनंद की बात है। Yes, it is approaching so fast and I'm so excited. हाँ, ये तो तेजी से निकट आता जा रहा है और मैं भी बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। Okay, let's meditate on today's promise verse. ठीक है, तो आइए आज के प्रतिज्ञा वचन पर मनन करें। It's in Luke 2:11. जो पाया जाता है लुका 2 वचन 11 में। Today in the town of David a savior has been given to you. He is Christ the Lord. आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। Yes, my dear friends, isn't it such a joy when we meditate that Jesus has been given to us? हाँ मेरे मित्रों, ये क्या बड़े आनंद की बात नहीं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें दिया गया है। That he came down as a baby. कि वो एक बच्चे के रूप में आया। To be our savior. ताकि वो हमारा उद्धार करता बने। If we are so excited about it now. हाँ, अगर इसके बारे में अभी हम इतने ज्यादा उत्सुक हैं। Imagine how the people who heard this news directly might have felt. तो सोचिए कि जिन लोगों ने ये समाचार सीधे सुना तो उन्हें कैसा लगा होगा। In the temple, they might have been waiting for this prophecy to be fulfilled. वे तो शायद मंदिर में इस भविष्यवाणी के पूरे होने के इंतजार में थे। The Jews may have been waiting for a king to come and save them. जो यहूदी थे इंतजार कर रहे थे कि एक राजा आए और उनको छुड़ा ले। Jerusalem would have been waiting for their savior. यरूशलेम अपने उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहा था। And the shepherds would have been just doing their regular duties, just taking care of their sheep. और जो चरवाहे थे वे तो अपने नियमित दिनचर्या में लगे हुए थे, अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। But then when they heard the news that Jesus was born, लेकिन जब उन्होंने ये समाचार सुना कि यीशु मसीह पैदा हुआ है, their Messiah has come, और उनका मसीह जो है वो आ चुका है, the one that they have been waiting for so many thousand years has come, जिसका वो हजारों वर्षों से इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है, they would have been so filled with so much of joy. तो निश्चय ही वे बहुत ज्यादा आनंद से भर गए होंगे. Because they're seeing it with their own eyes. क्योंकि वे अपने ही आंखों से उसे देखने जा रहे थे. So my dear friends, God wants us to have that same joy in our hearts. हाँ, तो मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर चाहता है वही आनंद हमारे भी हृदयों में हो. That he has come to save us. कि वो हमें बचाने के लिए आया हुआ है. To deliver us from our sins. कि वो हमारे पापों से हमें छुटकारा दे। Our sicknesses, हमारे रोगों से छुटकारा। Our weaknesses, हमारी कमजोरियों से छुटकारा। Our fear, हमारे भय से छुटकारा। Our loneliness, हमारे एकाकीपन से छुटकारा। And our own selfish motives, और हमारी हर एक स्वार्थी सोच से भी छुटकारा। And to give us peace, joy and deliverance. ताकि वो हमें शांति, आनंद और छुटकारा प्रदान करे। Indeed, it is a great joy even today. हाँ, निश्चय ही आज भी बड़े ही आनंद का ये दिन है। So this Christmas season, let's remember this joy that he has come to give. और इस क्रिसमस के अवसर पर याद करें कि प्रभु यीशु मसीह ये सब हमें देने आए हैं। And the joy of Jesus himself coming down for us. और स्वयं प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में हमारे लिए आना। And let us not forget to share it with everyone around us. और हमारे चारों तरफ जितने लोग हैं उनसे ये बांटना हम न भूलें। So even now, let's thank God for this gift he has given us. तो आइए अभी भी हम परमेश्वर के इस दान के लिए उसका धन्यवाद करें। Lord, we thank you that you've come down as a baby for us to be saved from all of our sins. प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप एक बालक के रूप में संसार में आए ताकि आप हमें हमारे पापों से बचाएं, उद्धार करें। That you've come as a fulfilled promise. आप एक प्रतिज्ञा पूर्णता के रूप में आए। To save us from our weaknesses, our sicknesses and our sin. ताकि हमारी कमजोरियों से, हमारे रोगों से और हमारे पापों से आप हमें बचा लें। Thank you that you are wonder working God even today who is alive. धन्यवाद, क्योंकि आज भी आप एक जीवित और चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। So that we get to share and remember this joy each day of our lives. ताकि हमारे जीवन के प्रतिदिन हम इस आनंद को स्मरण करें, अनुभव करें और इसे औरों के साथ बांटें। Thank you for being born in our hearts each day and for us to celebrate Christmas each day. आपका धन्यवाद करते हैं, आप प्रतिदिन हमारे हृदय में पैदा होते हैं ताकि हम रोज जो है बड़े दिन का आनंद मना सकें। And for giving this joy to us every day of our lives. और हमारे जीवन में प्रतिदिन हमें इस बड़े दिन के आनंद को देने के लिए धन्यवाद। Even today, bless your children. आज भी अपने संतानों को आशीष दें। And
help this joy to stay in them forever. और सहायता करें कि यह आनंद उनके जीवन में सदा बना रहे। Jesus name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। Merry Christmas everybody. Don't forget to share your Christmas experience in the comments below. प्रिय मित्रों, आप में से हर एक को ख्रिस्त जयंती की बहुत शुभकामनाएं और आप अपना अनुभव हमसे बांटना न भूलें। Let's share this joy of Christmas with each other. आइए इस बड़े दिन के ख्रिस्त जयंती के आनंद को हम हर एक से बांटें। May God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दें।